अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सफ़ा मक्का EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग। आज की जो वीडियो है वो गाड़ी है अमरीकी फोर्ड एक्सप्लोरर 2012-13 मॉडल है। आज आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपके ऑडोमीटर में आप देख सकते हैं कि ये 42 डिग्री, तो यहाँ सेल्सियस में या फारेनहाइट में आपका टम्परेचर हो तो आप कैसे जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कस्टमर आके आपको बोलता है कि मुझे टम्परेचर सेल्सियस में चाहिए या फारेनहाइट में चाहिए या माइल्स में चाहिए ऑडोमीटर या किलोमीटर उसमें चाहिए माइल्स में चाहिए या किलोमीटर में चाहिए, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये नॉर्मल मोड में डिस्प्ले देख सकते हैं कि अभी नॉर्मल मोड में है। यहाँ से आप यहाँ आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल RPM, टेम्परेचर और फ्यूल गेज। अब सिर्फ फोर व्हील ड्राइव ये वाला ऑप्शन भी आप इसमें सामने ला सकते हैं। यहाँ से ये जो इसका बटन है यहाँ से इसकी डिस्प्ले की सेटिंग होती है। ये देखें अभी तीनों जो गेज्स हैं वो सामने आ गए हैं। अभी आपने इसका जो सेटिंग करनी है वो कैसे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये वाला बटन, इसको प्रेस करना है। तो यहाँ सेटिंग लिखा है, सेटिंग में जाने के बाद आपने व्हीकल सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि ये व्हीकल सेटिंग में जाने के बाद आपने ये देख सकते हैं व्हीकल सेटिंग, इसके बाद ये यूनिट आप देख सकते हैं डिस्टेंस अभी ये देख सकते हैं किलोमीटर में, आपने अगर माइल में करना है तो ये इस तरह प्रेस करेंगे इसको आप, तो ये सेंटर वाले बटन से ओके करेंगे, ये ओके वाला बटन है। ये थोड़ी पुरानी है गाड़ी, सही से नज़र नहीं आ रहा है, ये ओके वाला बटन है। तो आप देख सकते हैं कि अभी डिस्टेंस जो है माइल में आ गया है। उसके बाद किलोमीटर में आप दोबारा लाना चाहते हैं तो ये इसी तरह नीचे प्रेस करके सेंटर वाला बटन ओके वाला, और किलोमीटर में आप टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि यहाँ 42 डिग्री है, तो आप फारेनहाइट में करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस ये देख सकते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये वापस सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये सेटिंग थी। तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब आपकी ऑयल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड की वार्निंग आए या कस्टमर आपको बोले कि मैंने ऑयल चेंज किया और इसका जो है रीसेट करना है, तो आपने इसी तरह सेम लाइक बिफोर जाना है व्हीकल में जाके, ये आप देख सकते हैं यूनिट्स के नीचे जाके आप सेट कर सकते हैं। यहाँ 100% जितना भी है हो जाएगा।